इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, किरण चौधरी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपा इस्तीफा। भाजपा की राज्यसभा उम्मीदवार हो सकती हैं किरण चौधरी। राज्यसभा सीट के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनावों से पहले ही किरण चौधरी ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल दिया था, क्योंकि उनकी बेटी श्रुति चौधरी को कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने बगावत करते हुए कांग्रेस को बाय बाय बोल दिया था। ये भी बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब राज्यसभा सांसद से लोकसभा सांसद बन चुके हैं, और यही वजह है कि राज्यसभा की 1 सीट खाली होने के बाद उपचुनाव करवाया जा रहा है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हो चुकी है। 21 अगस्त तक यानी कल आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है जब उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकते हैं। 27 अगस्त को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 3 सितंबर को राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग होगी और फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। अब अटकलें कहीं ना कहीं ये लगाई जा रही हैं कि भाजपा की राज्यसभा उम्मीदवार हो सकती हैं किरण चौधरी। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा।